नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा, आप देख रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रॉयल पास मिशन के बारे में, एंड इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी सारा कमेंट देखने को मिला आप सभी में से कि भाई हमारा ये मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड कैसे इस मिशन को कम्प्लीट करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो ये जो मिशन है ये आया है वीक 7 के अंदर, एंड ये मिशन मेरा भी कम्प्लीट नहीं हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस मिशन के अंदर बोला गया है कि आपको 10 एनिमीज को किल करना है बोल्ट एक्शन स्नाइपर लेके इरंगल के अंदर, क्लासिक मोड के अंदर। तो बहुत सिंपल मिशन है कि सबको पता है, पढ़ के ही समझ आ जा रहा है कि कैसे इस मिशन को कंप्लीट करना है, पर किसी का कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड मेरा भी देख पाएंगे अभी तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मेरे पास है ईजेड मिशन लाइसेंस, मतलब एक वीक पहले ही मेरे पास ये सारे कुछ मिशन आ जाते हैं। तो कैसे इस मिशन को कंप्लीट करना है मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, एंड देख पाएंगे 10 में से मेरा 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे मैंने किया ये भी बताऊंगा, एंड ईजी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी जल्दी इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पॉइंटर देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना ना भूलना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, एंड बेल आइकन के साथ साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल ये जो मिशन है इसको करके दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली इस मिशन के अंदर बोला गया है कि बोल्ट एक्शन स्नाइपर से आपको 10 एनिमीज को किल करना है। तो बोल्ट एक्शन स्नाइपर है कार 98 M24 एंड AWM जो हमें इरंगल के अंदर मिलता है, एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि आपको इरंगल के अंदर इस मिशन को कंप्लीट करना है। तो मैं तीनों गन से ही एक एक किल करूँगा एंड उसके बाद मर जाऊँगा, मतलब सुइसाइड कर लूँगा। फिर मैं जब आऊँगा RP मिशन के अंदर तो देखते हैं काउंट होता है या नहीं। एंड मैंने ऑलरेडी 6 किल पहले से करके रखे थे, एंड इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 8 किल मैंने कैसे किया, मतलब 2 किल कैसे मैंने गेन किया ये भी देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड मैं पहले एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये जो मिशन है ये पूरा ग्लिच है, मतलब पबजी के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले एक मिशन आया था जिसके अंदर हमें AR गन से किल करने के लिए बोला गया था, पर वो मिशन हमारा काउंट हो रहा था SMG गन से। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इरंगल के अंदर, एंड मैंने कार 98 भी ढूंढ लिया है। तो पहला जो किल करूंगा वो मैं कार 98 से करूंगा। तो देख पा रहे एक बॉट आ चुका है, तो इसको मैंने हेडशॉट देके कार 98 से किल कर दिया है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका मैं क्रेट भी लूट लेता हूँ, एंड अभी मैं डायरेक्टली जाकर सुइसाइड कर लूँगा पानी के अंदर डूब के। एंड मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई दोस्त है उसको आप बुला सकते हैं क्योंकि वो कार 98 M24 ये सारे कुछ आपको ढूंढ के देगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं आप सोलो खेल सकते हैं। एंड दोस्तों जिस मैच के अंदर आप मिशन कंप्लीट करने की सोच रहे हैं वो मैच अगर बाय चांस से विंटर मोड आ गया तो आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि विंटर मोड का जो स्पॉन आइलैंड होता है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे M24 एंड और भी स्नाइपर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, कार 98 देखने को मिलेगा, या फिर आपका कोई अगर SKS का मिशन है वो सारे कुछ भी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आपको एनिमी भी मिलेगा एंड बॉट भी मिलेंगे, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर बॉट भी आ चुका है। तो आप इजीली जाके यहाँ पर मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मैं आया हूँ जॉर्जिया पुल के साइड में, जो एक छोटा सा आपको आइलैंड टाइप देखने को मिलेगा जब अगर विंटर मोड खेलेंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा देखने को। तो उसके ऊपर मैं आया हूँ एंड यहाँ पर मुझे M24 कार 98 सब कुछ मिलता है। तो पहला मैंने किल किया है कार 98 से, एंड अभी मैं यहाँ पर सुइसाइड कर लेता हूँ पानी के अंदर जाके। एंड दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा कोई मिशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको गेम से एग्जिट नहीं करना है, आपको सुइसाइड करके मरना है या फिर आप कोई एनिमी का तो भी मर सकते हैं ताकि आपका मिशन काउंट हो। अगर आप एग्जिट कर देते हैं तो आपका मिशन काउंट नहीं होता है। तो अभी चलते हैं लॉबी के अंदर एंड देखते हैं मेरा ये मिशन काउंट हुआ है या नहीं। एंड जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि 6 किल मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, तो अभी देखना है ये जो मैंने कार 98 का किल अभी किया है ये काउंट होता है या नहीं होता है। तो देख पा रहे होंगे 10 में से अभी 6 किल ही दिखा रहे हैं, मतलब कार 98 का मैंने हेडशॉट देके किल किया तब भी ये यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ सेकंड मैच के अंदर, तो सेकंड मैच के अंदर हम किल करेंगे M24 से। एंड इस मैच के अंदर भी मैं उतरा था जॉर्जिया पुल के साइड में जो छोटा सा एक आइलैंड है उसके ऊपर, क्योंकि ये मैच था विंटर मोड। एंड जैसे मैं आपको बताया था विंटर मोड के अंदर आप इन सारे आइलैंड के अंदर अगर आप उतरते हैं तो आपको इजीली स्नाइपर मिल जाएंगे। एंड यहाँ से मुझे M24 भी मिल चुका था, पर मैं जब यहाँ से निकल रहा था क्योंकि तब मुझे कोई बॉट देखने को नहीं मिला एंड कोई एनिमी भी यहाँ पर नहीं उतरा था, तो तब मेरा जो टीममेट था उसको एक बॉट देखने को मिला था इस आइलैंड के ऊपर। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस बॉट को किल करने एंड देखते हैं कि M24 पे किल करने के बाद ये मिशन काउंट होता है या नहीं। तो अभी हम किल करेंगे इस बॉट को एंड इस बॉट के सामने मैं आ चुका हूँ एंड इसको भी मैं हेडशॉट देके किल करता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉट को M24 का हेडशॉट देके किल कर दिया है एंड अभी मैं जाता हूँ एंड सुइसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बताया है कि कोई भी मैच के अंदर अगर आप मिशन कंप्लीट करते हो उस मैच को आपको एग्जिट नहीं करना, आपको सुइसाइड करके मर जाना है।
तो यहाँ पर मैं फटाक से सुइसाइड कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि अब ये काउंट होता है या नहीं, क्योंकि पहले 6 में से 6 ही दिखा रहा था, तो अभी देखते हैं 7 होता है या नहीं। एंड पबजी वाले पूरा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बोल्ट एक्शन स्नाइपर से किल करना है, पर तब भी यहाँ पर कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है किल करने के बाद भी। तो देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी मेरा काउंट नहीं हुआ है, मतलब M24 का हेडशॉट देकर मैंने किल किया आपके सामने, तब भी मेरा ये काउंट नहीं हुआ है, 6 में से 6 ही दिखा रहा है। दोस्तों इस मैच के अंदर मैं किल करने वाला हूँ AWM से, पर इस मैच के अंदर क्या हुआ कि मैं नोवो के अंदर उतरा था फ्लेयर गन ढूंढने, क्योंकि AWM हमें फ्लेयर गन या ड्रॉप से ही मिलता है, तो फ्लेयर गन तो मुझे मिल गया, पर मुझे एक एनिमी को किल करना पड़ा एंड उस एनिमी को मैंने Kar98 से ऑलरेडी किल करके रखे हैं। एंड मैंने सोचा कि काउंट नहीं होगा, पर लास्ट में देखते काउंट होता है या नहीं। एंड मैंने फ्लेयर गन से AWM मंगा लिया है एंड इस मैच को मैंने पूरा खेला, क्योंकि मुझे AWM बहुत देर बाद मिला एंड यहाँ पर मुझे एक एनिमी फायर करा था, तो अभी मैं इसको किल करने वाला हूँ। तो यहाँ से कोई फायर करा था तो फायर मुझे पड़ा था एंड मैं इसको देख नहीं पाया, पर ये एनिमी एक ऐसा जगह छुपा हुआ था कि इसको कोई नहीं देख पाता। जैसे कि आप देख पाएंगे मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ इसको कहाँ गया एनिमी, पर देख पाएंगे ये एनिमी छुपा हुआ एकदम खेत के अंदर, मतलब एकदम खेत के अंदर ओपन में लेटा हुआ है। तो इसको मैंने एक ही हेडशॉट से किल कर दिया AWM के। तो अभी मैं जाता हूँ एंड इस मैच के अंदर भी मैं सुइसाइड कर लेता हूँ एंड अभी देखते हैं ये काउंट होता है या नहीं। दोस्तों इस मैच के अंदर मैं डार्शिया से कूद के सुइसाइड कर लेता हूँ एंड अभी देखते हैं कितना ज़्यादा ये काउंट हुआ है, क्योंकि पहले भी मैंने Kar98 से किल किया था एंड अभी मैंने AWM से किल किया है, मतलब 2 काउंट होता है या 1 काउंट होता है अभी हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ लॉबी के अंदर एंड लॉबी के अंदर आने के बाद मिशन के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कितना ज़्यादा ये काउंट होता है। दोस्तों वीक 7 के मिशन के अंदर आने के बाद मुझे जो देखने को मिला, मतलब पबजी पूरा का पूरा नशा किया हुआ है, ये मुझे आज पता लग गया है, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 काउंट हो चुका है, मतलब 2 काउंट हो चुका है, मतलब मेरा Kar98 का भी काउंट हुआ है एंड AWM का भी काउंट हुआ है। मतलब मैंने पहले जो Kar98 का किल किया वो काउंट नहीं हुआ, पर इस मैच के अंदर मेरा काउंट हो चुका है, मतलब पबजी पूरा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं आज मुझे पता लग गया है। एंड अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस मिशन को कम्प्लीट कर सकते हैं ईजी तरीके से। दोस्त अभी आता है सॉल्यूशन के अंदर कि क्या आपको करना है। तो मेरा जो पहले मैंने 6 किल जो करके रखे थे वो मेरा Kar98 एंड AWM से ही काउंट हुआ था, कोई कोई मैच में Kar98 से काउंट होता है, कोई कोई मैच में AWM से काउंट होता है, मतलब पूरा का पूरा सस्ता नशा किया हुआ है पबजी वाले, ये हमें पता चल गया है। एंड पहले भी ऐसे हुआ था, पर उसके अंदर क्या हुआ था कि एयर गन से हमें किल करने के लिए बोला गया था, पर वो हुआ था SMG गन से एंड वो काउंट हो जा रहा था SMG से। पर इसके अंदर दिक्कत क्या है कि अगर आप Kar98 से पूरा 10 किल कर लेते हैं पर आपका एक भी किल काउंट नहीं दिखा रहे, बहुत सारे लोग ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप अगर कोई भी स्क्वाड मैच के अंदर एक एक स्नाइपर उठाइए एंड एक एक मैच के अंदर अगर आप एक एक किल करते हैं उस स्नाइपर से एंड देखना है कि कौन सा स्नाइपर से आपका काउंट हो रहा है, एंड जिस स्नाइपर से आपका काउंट हो रहा है उस स्नाइपर से आपको सोलो मैच खेलना है एंड सोलो मैच के अंदर जाके आपको 10 किल करना है एंड एक ही मैच के अंदर आपको ट्राई करना है सारे के सारे किल करने का। एंड अगर आपका काउंट हो जाता तो सही है, नहीं तो और एक तरीका है इस मिशन को कंप्लीट करने का, वो है RP मिशन कार्ड का यूज। दोस्तों इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस 2 RP मिशन कार्ड का जरूरत है, बस अगर आपके पास 2 RP मिशन कार्ड है इसके ऊपर लगा दीजिए एंड इस मिशन को कंप्लीट कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपका मेरी तरह एक भी RP मिशन कार्ड नहीं है तो आप नॉर्मली मैचेस के अंदर खेलिए, अगर आप स्नाइपिंग करते जैसे मैं स्नाइपिंग करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे नॉर्मल मैच के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्नाइपिंग करते तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप एक मैच के अंदर कंप्लीट करना चाहेंगे जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर एक स्नाइपर का ट्राई करना है कि कौन सा स्नाइपर आपका काउंट दिखा रहा है, अगर आपका M24 से काउंट दिखा रहा है तो उसी से पूरा 10 किल करना है, अगर आपका AWM से काउंट दिखा रहा है तो उसी से आपको 10 किल करना है, अगर आपका Kar98 से काउंट दिखा रहा है तो उसी से आपको 10 किल करना है। तो ऐसे करके इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। एंड जो भी मुझे पता चला एंड जितना मैंने यहाँ से रिसर्च किया मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया। तो आज का ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है एंड कोई मैच में मुझे Kar98 मिलता है तो कोई मैच में M24 नहीं मिलता है, कोई मैच में फ्लेयर गन ही नहीं मिलता है, कोई कोई मैच में फ्लेयर गन से MK14 आ जाता है, तो बहुत सारा दिक्कत का फेस करके आज का ये वीडियो मैंने बनाया है एंड लगभग 3 से 4 घंटा मुझे लगा है ये वीडियो बनाने में। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त लोग पबजी मोबाइल करते हैं सभी का ना वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव इसका वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।